तुम मिले तो लम्हे थम गए तुम मिले तो सारे कम गए तुम मिले तो मुस्कुरा आ गया तुम मिले तो जादू छा गया तुम मिले तो जीना आ गया तुम मिले तो मैंने पाया है खुदा <laughs> वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबडी मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में कैसे हैं आप लोग आई होप बहुत अच्छे होंगे बहुत मस्त होंगे अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे आप सभी को पता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ मॉर्निंग एंड नाइट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस चलाती हूँ जहाँ पर पूरे पैन इंडिया से वर्ल्ड वाइड से काफ़ी सारे लोग आते हैं जी हाँ ये जो मेरे हाथ में इतने सारे कैश है ये मैंने वन मंथ के अंदर कमाए हुए हैं <laughs> यस वन मंथ के अंदर कमाए हुए हैं जहाँ पर पहले मेरे पास इतने ऑनेस्टली बोलो तो इतने सारे पैसे नहीं हुआ करते थे लेकिन आज अगर इतने सारे पैसे मेरे पर्स में हैं तो इसके पीछे एक जादुई जादुई टेक्निक है जो वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ और मैं क्यों छिपाऊँ उस जादुई टेक्निक को अपने पास जब रोंडा बर्न ने अगर नहीं छिपाया जो कि जिन्होंने द मैजिक जो किताब लिखी है द सीक्रेट बुक जो लिखी है जब उन्होंने नहीं छिपाया इस सीक्रेट को तो मैं कौन होती हूँ छिपाने वाली मैं तो यही चाहती हूँ और रोंडा बर्न, बर्न भी यही चाहती थी कि सभी लोग बहुत धनी हो सब लोग अपने खर्चे को सुचारू रूप से मैनेज करें अपने पैरों के ऊपर खड़े रहे अपने सपनों को वो लोग पूरा करें तो चलिए बढ़ते हैं उस जादुई टेक्निक के बारे में कि कैसे मैंने इतने सारे पैसे मैनिफेस्ट किए हैं अपनी लाइफ में वन मंथ के अंदर तो सबसे पहले रौना बन की हम किताब लेते हैं ये रौना वन की जो किताब है द आ, दा मैजिक द सीक्रेट इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से जादुई धन के बारे में बताया है उन्होंने एक चीज बड़ी ही अच्छी तरीके से लिख दी है कि जित वास्तविकता आपकी कुछ भी हो वास्तविकता में भले ही आपके पास कुछ भी पैसा ना हो अगर एक रुपया भी है ना तो उस एक रुपया को लेकर बैठिए और उसके लिए इतना कृतज्ञ रहिए कि वो एक रुपया खुश होकर और सारे अपने बटालियन को लेकर आए है ना समझ में मैं आसान भाषा में बोल रही हूँ वास्तविकता कुछ भी हो एक रुपया भी है तो उसको लेकर इतना कृतज्ञ होना है कि मानिए कि वो एक करोड़ आपके सामने रखा हुआ है और वो एक रुपया खुश होकर और सारे पैसे को आकर्षित करेगा आपकी लाइफ में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से इतने सारे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं बहुत सारे आपके पास अवसर पैसे के आने शुरू हो जाएंगे एक कहानी ये रियल स्टोरी है मैं आप सभी के सामने शेयर करने जा रही हूँ जो कि एकदम इंस्टेंट मुझे याद आया कि मैंने कहीं सुना है और मे भी हाँ सुना है रियल स्टोरी है कि एक औरत के हिस्से में जैसे कि जब मम्मी पापा का डेथ हुआ तो जो ज़मीन वगैरह है जो जायदाद हो होती है वो बंटवारा हुआ तो उनके हिस्से में एक लैंड उनको मिला जमीन मिला तो ज़मीन क्या था पूरा का पूरा दलदल जमीन था मतलब कि एकदम खराब ज़मीन था उसमें कुछ उपज नहीं हो सकती है लेकिन उनके हिस्से में जो मिला ठीक है तो एक दिन क्या होते हैं उनके फ्रेंड उनसे मिलने के लाते हैं उन औरत के के पास तो उनकी वो औरत के घर में रुके हुए थे तो उन्होंने पूछा उनके फ्रेंड ने कि तुम्हारे हिस्से में कोई ज़मीन आई ना चलो एक बार हमको दिखाओ ना तो वो दिखाने के लिए लेके जाती है तो उनकी फ्रेंड एकदम से मुंह बनाकर बोलती कि छी इतना गंदा जमीन तुम्हारे हिस्से में दलदल आया है अरे यहाँ पर तो सिर्फ मेंढक पल सकते हैं बस उस औरत को एकदम से वो अपॉर्चुनिटी वो आइडिया एकदम से आया और उन्होंने क्या किया वहाँ पर मेंढक पालना स्टार्ट कर दिए जो भी जो भी अच्छे अच्छे ब्रीड के जो मेंढक होते हैं फ्रॉग होते हैं उनको पालना स्टार्ट कर दिया और उनका व्यापार चल पड़ा है ना कहने का मतलब ये क्या है जब आप कृतज्ञ रहते हैं जो भी चीज़ों के लिए तो आपके पास ऐसे ही अपॉर्चुनिटी आती है बस उस पर आपको एक्शन लेना है और आपके पास पैसों की बरसात होनी स्टार्ट हो जाती है तो इस जादुई किताब में जादुई धन के अंदर एक टेक्निक के बारे में उन्होंने बताया है रौंडा बन ने उन्होंने बोला है कि आप क्या कीजिए जो भी जैसे कि मान लीजिए आपके पास दस रुपया है बीस रुपया है या कोई भी रुपया है कोई भी डिनोमिनेशन का है उसमें आपको उसको आपको लेना है और उस पर जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्रेटिट्यूड लिख दिया है कि ये नोट कोई भी उठाए ना या अगर मिस भी हो जैसे मेरे घर में मिस भी हुआ तो मेरे को दे दे क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्रेटिट्यूड लिख दिया है आई एम सॉरी प्लीज फॉर गिव मी थैंक यू आई लव यू करके इसको मैंने यहाँ पर जो चार जो लाइन है वो पोनो पोनो प्रेयर की मैंने वो यहाँ पर लिख दिए अब करना क्या है इसको इसको हमको कृतज्ञ रहना है कृतज्ञ रहने के लिए हमको वो सारी चीज़ें याद करनी है जो इन पैसों से हमारी ज़रूरतें की पूर्ति हुई लाइक like, जैसे कि मैं क्या बोलती हूँ मैं आप सभी को बता रही हूँ कि मैं इसको इसको, इसको ऐसे हाथ में पकड़ लेती हूँ क्योंकि ये एक एनर्जी है मनी एक हाई वाइब्रेशन की एनर्जी है लेकिन ये जो भी एनर्जी होती है इनका खुद का दिमाग नहीं है हमारा दिमाग है हम मनुष्य का दिमाग है लेकिन ये एक ऐसी एनर्जी है जिनका जिसका दिमाग नहीं है यानी कि हम अपने दिमाग से जो भी हम इस पे एनर्जी डालेंगे जो भी विचार हम डालेंगे वो हमारे विचारों से एक्ट करना स्टार्ट कर देगा आई होप समझ में आ रहा है अगर मैं इसको विचार देती हूँ कि तुम बहुत मेहनत से कमाए जाते हो तो ऑब्वियसली आप बहुत मेहनत करेंगे तभी पैसा कमाएंगे अगर आप बोलते हैं कि तुम मेरे पास बहुत ही इजीली एंड एफर्टलेसली आते हो तो विश्वास माने या ना माने आपके पास इजीली एंड एफर्टलेसली पैसे आएंगे। यानी कि इस एनर्जी का दिमाग नहीं होता है आप जो विचार डालते हैं जो भावना डालते हैं उस विचार और उस भावना से ये एक्ट करना स्टार्ट कर देता है तो हमको क्या करना है कृतज्ञ रहना है तो इसको हाथ में पकड़ लीजिए और बस उसको देखते रहिए थैंक यू सो वेरी मच की तुम मेरी लाइफ को बहुत ही ईजली एंड बहुत ही ईजी बना दिए हो तुम बहुत ही ग्रेट हो तुम बहुत अच्छे हो थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए और फिर उसके बाद बोले कि थैंक यू सो वेरी मच कि मैं जिस घर में रह रही हूँ वो भी तुम्हारी वजह से आ रहा है मैंने शिक्षा को ग्रहण की आज शिक्षित हूँ अपने पैरों पर खड़ी हूँ तो तुम्हारी वजह से मेरे मम्मी पापा ने फीस पे किया होगा तभी तो मैं शिक्षित शिक्षा को ग्रहण की हूँ आज मेरे बच्चे शिक्षा शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं स्कूल कॉलेज तो सिर्फ तुम्हारी वजह से तो जो भी जैसे खाना पीना जो भी हुआ पहनने के लिए कपड़े वो सब कुछ जहाँ जहाँ नजर जा रही है वो सब कुछ इन्हीं पैसों से आया है ये बेड में जिसपे बैठी हूँ ये मोबाइल जो है इसी से पैसा आया है ये मोबाइल स्टैंड है इसी से आया है ये जो पर्दे लगे हुए हैं इसी से आया है ये जो पीछे लकड़ी का काम हो रखा है इन्हीं पैसों से से वॉल पेंट दीवार पर पे जो है इन्हीं पैसों से तो हर एक चीज के लिए आप इसके लिए कृतज्ञ रहिए देखिएगा इतना कृतज्ञ हो जब आप इतना कृतज्ञ होंगे ना दिल से आभार व्यक्त करेंगे तो ये एक रुपया या एक नोट बहुत सारे आपार धन को आप देखिए एक नोट ने इतने सारे नोटों को आकर्षित कर लिया है ना तो बिल्कुल आप करके देखिएगा टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड परसेंटेज गारंटी वैसे रोंडा बनने ने तो बता ही दिया है करके देखिएगा आपके जीवन में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आने लगेंगे और ये एक टेक्निक बहुत सारे पैसे को आकर्षित करेगा सो so, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि इस एक रुपया को या एक नोट को आप कैसी एनर्जी डालते हैं अगर आप ये एनर्जी डालते हैं कि पैसा जो कलह का घर होता है तो ऑब्वियसली सही आप बोल रहे हैं आपके घर में पैसा रहेगा तो वो कलह करवाएगा अगर आप बोलते हैं कि पैसा तुम खुशियाँ लेकर आते हो घर में वरदान लेकर आते हो ब्लेसिंग्स लेकर आते हो तो ऑब्वियसली पैसा आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आएगा वरदान लेकर आएगा खुशियाँ लेकर आएगा जैसी आप इसको एनर्जी देंगे जैसा आप इसके साथ बातचीत करेंगे वो वैसा ही काम करके करेगा आपके लिए तो करके देखेगा बहुत सारे पैसे आप अपनी लाइफ में आकर्षित करेंगे सिर्फ़ एक नोट लेना है उस पर ग्रैटिट्यूड ग्रीन कलर के पेन से लिखना है और फिर सिर्फ आपको ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड सब कुछ याद करते 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 लिखे राशन सब्जी सब कुछ इसी पैसे से आ रहा है आपके पैरों में जो चप्पल आप पहनते हैं वो भी इसी पैसे से आता है ना सब के पेट्रोल डीजल एवरीथिंग इसी पैसे से आता है करके देखिएगा और बताइएगा अगर आपकी लाइफ में पैसे आकर्षित हुए तो कमेंट में ज़रूर जाइएगा और मैंशन जरूर करेगा आपके आपके कमेंट का मेरे मुझे इंतज़ार रहेगा थैंक यू विश यू वैथ